चलिए देखिए, लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस रिक्वेस्ट स्कोप। तो रिक्वेस्ट स्कोप क्या होता है, रिक्वेस्ट स्कोप हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे। रिक्वेस्ट स्कोप हम लोग मेंटेन करेंगे किसकी हेल्प से, सर्वलेट रिक्वेस्ट और एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से। रिक्वेस्ट स्कोप किस टाइम पे क्रिएट होगा, रिक्वेस्ट स्कोप विल स्टार्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। रिक्वेस्ट स्कोप विल स्टार्ट एट द टाइम ऑफ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग रिक्वेस्ट स्कोप स्टोर करेंगे, द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द रिक्वेस्ट स्कोप इज अवेलेबल फॉर ऑल कंपोनेंट विच आर प्रोसेसिंग दैट रिक्वेस्ट। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने क्लाइंट है, ये क्लाइंट ये सर्वर है, इस सर्वर के अंदर बहुत सारे वेब कंपोनेंट हैं। हमने वेब मान लीजिए सर्वलेट वन के लिए रिक्वेस्ट सेंड की। अब ये रिक्वेस्ट जैसे आपने रिक्वेस्ट सर्वलेट वन के लिए भेजी, तो इस रिक्वेस्ट को जो जो सर्वलेट प्रोसेस करेंगे वो सारे सारे सर्वलेट रिक्वेस्ट स्कोप पे स्टोर इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। इस रिक्वेस्ट जैसे रिक्वेस्ट स्कोप कैसे कब स्टार्ट होगा, एट द टाइम ऑफ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा रिक्वेस्ट स्कोप स्टार्ट हो जाएगा। रिक्वेस्ट स्कोप में जो भी आपने इंफॉर्मेशन स्टोर की है उस इंफॉर्मेशन को हर वो एक सर्वलेट यूज कर सकता है जो सर्वलेट उसी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है, सेम रिक्वेस्ट को। मान लीजिए आपने रिक्वेस्ट सेंड की सर्वलेट वन के लिए, रिक्वेस्ट सर्वलेट वन ने प्रोसेस की और प्रोसेस करने के बाद रिस्पांस वापस भेज दिया। आप देखिए अगर फिर से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो एक नई रिक्वेस्ट जाएगी, मतलब उस वो ओल्ड रिक्वेस्ट नहीं होगी, मतलब पहली जो रिक्वेस्ट गई थी उस इंफॉर्मेशन को केवल कौन सर्वलेट यूज कर रहा है, सर्वलेट वन। आपने रिक्वेस्ट सेंड की सर्वलेट वन के लिए, लेकिन इंटरनली सर्वलेट वन से आप कहाँ चले गए, सर्वलेट टू में, सेम रिक्वेस्ट की हेल्प से गए ना इंटरनली। तो इस रिक्वेस्ट में जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट स्कोप स्टोर थी वो सर्वलेट वन भी प्रोसेस कर सकता है और सर्वलेट टू भी प्रोसेस कर सकता है। तो देखिये रिक्वेस्ट स्कोप में द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द रिक्वेस्ट स्कोप इज अवेलेबल फॉर ऑल कंपोनेंट विच आर प्रोसेसिंग दैट रिक्वेस्ट। अब कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे सर्वलेट रिक्वेस्ट स्कोप में, तो देखिए रिक्वेस्ट स्कोप में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस फॉलोइंग मेथड प्रोवाइड कराता है, जिन मेथड के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। देखिए सो सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस डिफाइंस फॉलोइंग मेथड्स। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है पब्लिक वाइड सेट एट्रीब्यूट। देखिए सेट एट्रीब्यूट मेथड, सेट एट्रीब्यूट मेथड के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का नेम बताइए और उसकी वैल्यू, दो चीज पास, ऐसा की एंड वैल्यू पेयर में। तो रिक्वेस्ट में अगर हमें रिक्वेस्ट स्कोप में वैल्यू ऐड करनी है तो क्या कौन सा मेथड कॉल करेंगे, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पे सेट एट्रीब्यूट, ऐसा की एंड वैल्यू पेयर हम लोग वैल्यू सेट करेंगे। उस एट्रीब्यूट का नेम बताइए और वैल्यू जो हमें सेट करना है उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में। इफ द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट इज ऑलरेडी अवेलेबल, अगर मान लीजिए एट्रीब्यूट ऑलरेडी अवेलेबल है तो ओल्ड वैल्यू जो होगी वो न्यू वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। दूसरा मैथड है गेट एट्रीब्यूट मैथड। गेट एट्रीब्यूट मैथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस रिक्वेस्ट स्कोप में जो भी वैल्यू स्टोर है उसको हम लोग गेट कर सकते हैं बाई पासिंग द नेम ऑफ एट्रीब्यूट। आप ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा उस एट्रीब्यूट की वैल्यू जिसका हम लोग नाम पास करेंगे। अगर एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं है तो नल वैल्यू मिलेगी। थर्ड मेथड होता है रिमूव एट्रीब्यूट, हम रिक्वेस्ट स्कोप से उस एट्रीब्यूट को रिमूव कर सकते हैं बाय पासिंग नेम। हम बाय पासिंग नेम, हमने नेम पास किया और नेम की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड गेट एट्रीब्यूट नेम्स, अगर हम चाहते हैं कि सारे के सारे जितने भी एट्रीब्यूट स्टोर हैं उस रिक्वेस्ट स्कोप में वो सारे के सारे एट्रीब्यूट आप फेच करना चाहते हैं तो फिर हम लोग मैथड यूज करेंगे गेट एट्रीब्यूट नेम्स। दिस मैथड रिटर्न ऑल द एट्रीब्यूट नेम्स एसोसिएटेड विद द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। चलिए हम लोग करके देखते हैं एक एक कैसे हम लोग यूज करेंगे, कैसे हम लोग एट्रीब्यूट को। ये जो हम स्कोप की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये अगर एक ही सर्वलेट पे अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं ना, हर एक रिक्वेस्ट को वो नई रिक्वेस्ट ही ट्रीट करेगा।
तो देखिए कैसे हम लोग रिक्वेस्ट स्कोप यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने फॉरवर्ड वन सबलेट और फॉरवर्ड टू सबलेट बनाए थे। रिक्वेस्ट जैसे फॉरवर्ड वन सबलेट पे जाएगी तो सबलेट वन पे आए, और सबलेट वन से हम लोग कहाँ पे डिस्पैच कर रहे हैं, सबलेट टू पे जा रहा है। देखिए सबलेट वन पे हमने क्या किया, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अब हमें इसमें क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है। तो रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट कौन से हमने यूज किया, सेट एट्रीब्यूट। और यहाँ पे हमने कोई इन्फॉर्मेशन मान लीजिए मेंटेन की, हमने मान लीजिए की दिया जावा, बुक का नाम ऐसे जावा, और प्राइस मान लीजिए हमने दे दिया 100 1000। ये देखिए हमने एक एट्रीब्यूट ऐड किया इसमें, किस नाम का, जावा नाम का। अगर और एट्रीब्यूट यूज करने हैं तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पे देखिए, क्योंकि रिक्वेस्ट स्कोप स्टार्ट हो जाता है जिस टाइम पे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो उस रिक्वेस्ट में जो भी एट्रीब्यूट आपको सेट करने हैं तो किस मेथड के हेल्प सेट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट स्कोप में सेट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हमने दो की वैल्यू पेयर ऐड की, एक हमने ऐड की है जावा नाम से, एक हमने की ऐड की है पाइथन नाम से। देखिए जो भी एट्रीब्यूट ऐड करेंगे वो ऐसा की एंड वैल्यू पेयर, मतलब एट्रीब्यूट की की होगी और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखिए दो की वैल्यू पेयर हमने ऐड किया है। रिक्वेस्ट किस सर्वलेट पे जाएगी, यहाँ से डिस्पैच हो रही, सेम रिक्वेस्ट डिस्पैच हो रही सर्वलेट टू में। अब सर्वलेट टू में जाके हमें वो इन्फॉर्मेशन रीड करनी है उसी रिक्वेस्ट स्कोप में जो प्रेजेंट है। तो कैसे रीड करेंगे, यूजिंग गेट एट्रीब्यूट। तो हमने कहा स्ट्रिंग, पहले हमने एस वन एक वैल्यू लिया और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, कौन सा मेथड यूज किया, गेट एट्रीब्यूट मेथड, गेट एट्रीब्यूट मेथड। अब यहाँ पे हमने उस की का नाम दिया, की का नाम क्या है, जावा। फिर दूसरी की हमने क्या है, स्ट्रिंग एस टू। अब देखिए ये जो रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट मेथड, वो रिटर्न किस टाइप की वैल्यू करता है, ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू। ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू को किस में हमें कास्ट करना होगा, स्ट्रिंग टाइप में। तो एस टू इक्वल टू, फिर से हमने लिखा रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हमने की दे दी, मान लीजिए की हमारी थी पाइथन, हमने वो वैल्यू रीड कर लिया। चलिए इसको टाइप कास्ट कर लेते हैं। अब हम दोनों की इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या करना है, रीड कर सकते हैं। तो पहले हमने जो वैल्यू थी रिक्वेस्ट स्कोप, रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट वन, हमने इसका नाम दिया जैसे एट्रीब्यूट वन इक्वल प्लस एस वन, रिक्वेस्ट स्कोप टू, रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट टू प्लस एस टू। अब देखिए हमने रिक्वेस्ट किस सबलेट के लिए भेजना है, फॉरवर्ड वन के लिए। चलिए रन करते हैं, फॉरवर्ड वन के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और देखिए हम लोग वहां पे इंफॉर्मेशन रीड कर पाएंगे। चलिए रिक्वेस्ट हमने सेंड की फॉरवर्ड वन, फॉरवर्ड वन, एक मिनट क्या रहा। इंटीजर कैन नॉट बी कास्ट टू सिस्टम, ओके लाइन नंबर 34, ओके ओके सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या रह रहा है, क्योंकि या इस की वैल्यू किस टाइप की स्टोर है, इंटीजर टाइप की। फॉरवर्ड वन सबलेट में देखें इस की जावा की के करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू वो किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। तो ये की दोगे तो आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ना कि स्ट्रिंग। यहाँ पे हमें इंटीजर टाइप वैल्यू चाहिए, इंटीजर टाइप कास्ट भी किसमें करेंगे, इंटीजर में। यहाँ पे भी हमें क्या, इंटीजर टाइप कास्ट किसमें करेंगे, इंटीजर। तो सेव करते हैं, फिर से रन करते हैं, रन एस, रन ऑन सर्वर। अब हमने यहाँ पे किया फॉरवर्ड वन के लिए रिस्पॉन्स भेजा रिक्वेस्ट। देखिए अगर ध्यान से देखें, दिस इज द सेकेंड सर्वलेट आया, सेकेंड सर्वलेट में जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ देखिए हमने कंसोल पे रीड किया, कंसोल पे रीड कर ली। अगर आप चाहें तो ब्राउजर पे रीड करना है तो आप राइटर ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं,
राइटर ऑब्जेक्ट की हेल्प से राइट कर सकते हैं, राइटर डॉट प्रिंट मैथड, और यहां से कॉपी कर लेते हैं और यहां से दे पेस्ट कर देते हैं, कैसे रन करते हैं, रन ऑन सर्वर। किस रिक्वेस्ट के लिए गए, फॉरवर्ड वन, ये देखिए रिक्वेस्ट एक्टिवेट की वैल्यू क्या है 1000, रिक्वेस्ट एक्टिवेट की वैल्यू क्या है 2000। तो हम लोग जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रीड कर रहे हैं वो किस लेवल पे, रिक्वेस्ट लेवल पे इन्फॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है। तो जब भी आपको रिक्वेस्ट लेवल पे जो रिक्वेस्ट सेंड की है उस रिक्वेस्ट को जो जो सर्वलेट प्रोसेस कर रहे हैं उस लेवल पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी है तो आप रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट की हेल्प से मेंटेन कर सकते हो। एट्रीब्यूट को किस लेवल पे मेंटेन स्टोर कर सकते हो, रिक्वेस्ट स्कोप पे। रिक्वेस्ट स्कोप कौन मेंटेन करेगा, सर्वलेट रिक्वेस्ट या एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग रिक्वेस्ट स्कोप मेंटेन कर सकते हैं। उस रिक्वेस्ट स्कोप में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे वो इंफॉर्मेशन कोई भी सर्वलेट एक्सेस कर सकता है जो जो सर्वलेट उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहे होंगे। क्लियर, चलिए अब हम लोग समझते हैं इस सेशन में सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट स्कोप। अपने सर्वलेट रिक्वेस्ट स्कोप में जो इंफॉर्मेशन मेंटेन करोगे तो जो जो सर्वलेट उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहे होंगे वो सारे सर्वलेट उस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। अब हम इंफॉर्मेशन मेंटेन करना चाहते हैं कॉन्टेक्स्ट लेवल पे तो कौन कौन सर्वलेट उस इंफॉर्मेशन को रीड कर पाएंगे। देखिए सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, पहले बात तो ये समझते हैं। देखिए जब आप कोई वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, वेब एप्लीकेशन तो एक होगा लेकिन विद इन अ वेब एप्लीकेशन बहुत सारे आपके क्या हैं, मान लीजिए सर्वलेट है, सर्वलेट वन, सर्वलेट टू, बहुत सारे सर्वलेट आपने क्रिएट किए। इन सारे सर्वलेट के लिए कोई इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कॉमन है। देखिए एक कोई इंफॉर्मेशन है जो कॉमन है फॉर ऑल सर्वलेट विद इन अ वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन के अंदर जितने भी सर्वलेट हैं उन सर्वलेट के लिए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सबके लिए कॉमन है। अगर कॉमन इंफॉर्मेशन है तो देखिए हर एक सर्वलेट लेवल पे तो नहीं डिफाइन करेंगे, क्योंकि हर एक सर्वलेट लेवल पे डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, वो कोड बार बार रिप्लीकेट होगा, डुप्लीकेट होगा। तो हम लोग यूज करते हैं सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। देखिए सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो वेब एप्लीकेशन लेवल पे क्रिएट होता है। मतलब जितने वेब एप्लीकेशन उतने सर्वलेट, पर वेब एप्लीकेशन वन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा। एक वेब एप्लीकेशन लेवल पे कितने सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, एक। विद इन अ वेब एप्लीकेशन नंबर ऑफ सर्वलेट हो सकते हैं। अब जितने भी सर्वलेट हैं उन सब सर्वलेट के लिए वो इंफॉर्मेशन कॉमन है। मतलब सर्वलेट वन भी यहां से इंफॉर्मेशन रीड कर सकता है, सर्वलेट टू भी रीड कर सकता है, सर्वलेट थ्री भी रीड कर सकता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन विच इज कॉमन फॉर ऑल कंपोनेंट विद इन अ वेब एप्लीकेशन, दैट इंफॉर्मेशन वी रिक्वायर्ड टू मेंटेन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। किस लेवल पे मेंटेन करना चाहिए, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लेवल पे। देखिए वो इंफॉर्मेशन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर रख देंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा एप्लीकेशन कंपनी ने, मान लीजिए किसी वेबसाइट बना रहे हैं और किसी उसमें कंपनी का नेम है। अब कंपनी का नेम कोई भी रीड कर सकता है, ये इंफॉर्मेशन मान लो कॉमन एबीसी। तो ये इंफॉर्मेशन हमने उठा के कहाँ रख दी, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में। अब जिसको भी जरूरत है वो क्या करेगा, जिस भी सर्वलेट को जरूरत है वो सर्वलेट क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट से रीड कर सकता है। मतलब देखिए सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट मेंटेन करेगा एप्लीकेशन लेवल इंफॉर्मेशन। मतलब अगर आपको एप्लीकेशन लेवल पे इंफॉर्मेशन मेंटेन करना है तो फिर उस इंफॉर्मेशन को हम लोग मेंटेन करेंगे, स्टोर करेंगे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है पर वन वेब एप्लीकेशन, एक वेब एप्लीकेशन एक सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट।
जितने वेब एप्लीकेशन होंगे, मतलब अगर आपने कोई वेब एप्लीकेशन क्रिएट किया है तो उस वेब एप्लीकेशन के करिस्पॉन्डिंग कितने कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होंगे, केवल वन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग प्लेस करेंगे, जिस भी सबलेट को चाहिए वो सबलेट क्या करेगा, वो सबलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन डायरेक्टली क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। इसे बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन स्कोप और कॉन्टेक्स्ट स्कोप। अगर आपको एप्लीकेशन स्कोप मेंटेन करना, मतलब ऐसे इंफॉर्मेशन जो हमें एप्लीकेशन लेवल पे मेंटेन करनी है, मतलब वो इंफॉर्मेशन हमने एप्लीकेशन पे लेवल पे मेंटेन की गई है, उस एप्लीकेशन के जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, तो फिर उस इंफॉर्मेशन को हमने किस लेवल पे मेंटेन करेंगे, एप्लीकेशन। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मेंटेन करनी है जिसे कोई भी उस एप्लीकेशन का कंपोनेंट यूज कर पाए, तो फिर उस इंफॉर्मेशन को हम लोग एप्लीकेशन लेवल पे मेंटेन करेंगे। एप्लीकेशन लेवल पे इंफॉर्मेशन कैसे मेंटेन करेंगे, किस ऑब्जेक्ट की हेल्प से, सबलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो द एप्लीकेशन स्कोप और कॉन्टेक्स्ट स्कोप इज मेंटेन बाय द सबलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। अब एप्लीकेशन स्कोप कब स्टार्ट होगा, देखिए रिक्वेस्ट स्कोप स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। एप्लीकेशन स्कोप विल स्टार्ट एट द टाइम ऑफ सबलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जिस टाइम पे सबलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस टाइम पे एप्लीकेशन स्कोप स्टार्ट हो जाएगा, और एंड कब होगा, एट द टाइम ऑफ सबलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन। एप्लीकेशन स्कोप विल स्टार्ट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। अब देखिए सबलेट ऑब्जेक्ट कब, सबलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होता है, जिस टाइम पे हम लोग अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं या सर्वर को स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे सबलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता। सबलेट कॉन्टेक्स्ट देखिए कितने सबलेट और कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, वन एट एप्लीकेशन लेवल। अब जो भी इंफॉर्मेशन आपको एप्लीकेशन लेवल पे मेंटेन करनी है वो इंफॉर्मेशन आप किसके थ्रू मेंटेन कर सकते हो, सबलेट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द एप्लीकेशन स्कोप विल बी अवेलेबल फॉर ऑल द कंपोनेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ एंड यूजर। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम मेंटेन करेंगे एप्लीकेशन लेवल पे, वो इंफॉर्मेशन हर एक कंपो वेब एप्लीकेशन के हर एक कंपोनेंट के लिए अवेलेबल होगी। देखिए इंफॉर्मेशन किस लेवल पे मेंटेन करनी, किसके लिए मेंटेन करनी, अगर हम एप्लीकेशन लेवल पे कब मेंटेन करेंगे, एप्लीकेशन लेवल पे मेंटेन तब करेंगे जब हम चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन कोई भी एक्सेस कर पाए, तो उस इंफॉर्मेशन को हम लोग मेंटेन करेंगे एप्लीकेशन लेवल पे। तो फिर नेक्स्ट स्कोप हम लोग ने क्या पढ़ा, एप्लीकेशन स्कोप और कॉन्टेक्स्ट स्कोप। व्हाट इज एप्लीकेशन स्कोप एंड व्हाट इज अ कॉन्टेक्स्ट स्कोप, हु विल मेंटेन दिस स्कोप, दिस स्कोप इज मेंटेन बाय द सबलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। हु विल मेंटेन, सबलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। सो दिस स्कोप is maintained by sublet context object. The application scope will start at the time of context object creation, at the end of object destruction. It means application scope will start at the time of application deployment or server startup and ends at application undeployment or server shutdown. मतलब जैसे आपने सर्वर शट डाउन किया, सर्वर बंद किया, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपने मेंटेन की गई है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखिए कॉन्टेक्स्ट स्कोप कब जाना चाहिए, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द एप्लीकेशन स्कोप विल बी अवेलेबल फॉर ऑल कंपोनेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ एंड यूजर। अब देखिए सबलेट कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या करनी है, एप्लीकेशन स्कोप में हमें इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है, तो कैसे ऐड करोगे, ऐसा की वैल्यू पेयर एट्रीब्यूट। तो सबलेट कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, डिफाइन करता है फॉलोइंग मेथड टू ऐड इंफॉर्मेशन इन एप्लीकेशन लेवल, एट एप्लीकेशन लेवल सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, रिमूव एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट नेम्स। ऑल यूजिंग सेट एट्रीब्यूट वी कैन सेट द एट्रीब्यूट वैल्यू एट अ एप्लीकेशन लेवल। If who will maintain application scope, sublet context. Using sublet context, we can maintain the which scope, application scope. चलिए देखते हैं हम लोग इसको कि हम लोग कैसे maintain कर रहे हैं sublet context.
इसको मेंटेन करेंगे। चलिए देखिए, हम लोग एक वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, हमें यह पता करना है कितनी रिक्वेस्ट उस वेब एप्लीकेशन के लिए सेंड हुई, प्रिंट करना नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। अच्छा देखिए, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी रिक्वेस्ट इस वेब एप्लीकेशन के लिए आ चुकी है अब तक। देखिए कैसे पता करेंगे, ये हमारा क्लाइंट है मान लीजिए और ये है सर्वर। इस सर्वर के अंदर ये हमारा है कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर वेब एप्लीकेशन के अंदर नंबर ऑफ सबलेट है मान लीजिए, अभी तक एक भी रिक्वेस्ट नहीं आई है वेब एप्लीकेशन के लिए। मान लीजिए फर्स्ट टाइम आपने रिक्वेस्ट सेंड की, जैसे रिक्वेस्ट सेंड की ये फर्स्ट रिक्वेस्ट ना, अब हमें काउंट करना है ये रिक्वेस्ट पहली बार आई ना। अगर ये रिक्वेस्ट फर्स्ट रिक्वेस्ट है तो हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल मेंटेन करना होगा, अब काउंट जिसकी वैल्यू हरदम बढ़ानी है जब भी कोई रिक्वेस्ट आए। अब ये वेरिएबल हम लोग मेंटेन कहाँ करेंगे, किस लेवल पे? अगर हमने रिक्वेस्ट लेवल पे मेंटेन किया होता, देखिए पहली रिक्वेस्ट आई ना, तो इस रिक्वेस्ट लेवल पे अगर मेंटेन किया होता तो मान लीजिए काउंट की वैल्यू क्या हो जाती, 1 हो जाती, और जैसे रिस्पॉन्स वापस जाता ये काउंट जा डिस्ट्रॉय हो जाता क्योंकि सर्वर इसे भूल जाता। फिर से आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो फिर से काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और फिर से रिस्पॉन्स आएगा, फिर से काउंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपने रिक्वेस्ट लेवल पे मेंटेन की, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वेस्ट लेवल पे नहीं मेंटेन करना है। हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा प्लेस चाहिए जो ऐसे प्लेस पे मेंटेन करें, जैसे ये हमने प्लेस लिया और इसमें हमने काउंट किया, जब भी रिक्वेस्ट आए कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करे, हमने स्टार्ट वैल्यू उसकी कितनी दे दी, 0। जैसे पहली रिक्वेस्ट आई काउंट को बढ़ा दिया, कितना हो गया, 0 से 1। फिर से मान लीजिए नई रिक्वेस्ट आई किसी, अब देखिए ये स्कोप एप्लीकेशन लेवल पे मेंटेन है ना, फिर से नई रिक्वेस्ट आई काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर से नई रिक्वेस्ट आई किसी रिसोर्स के लिए फिर काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हम लोग किस लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं, एप्लीकेशन लेवल पे। चलिए देखिए हम लोग मेंटेन करके देखते हैं, हम लोग एक सर्वलेट क्रिएट करते हैं और सर्वलेट का नाम देते हैं हिट काउंट सर्वलेट। चलिए तो हम लोग नया सर्वलेट क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, सर्वलेट, सर्वलेट का नाम दिया हिट काउंट सर्वलेट, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट और फिनिश, हिट काउंट सर्वलेट। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट गेट करेंगे। अब सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट कैसे गेट करते हैं, देखिए कैसे गेट करते हैं, हम लोग ने जब सर्वलेट इंटरफेस पढ़ा था तो उसे पढ़ा था। चलिए हम लोग HTTP डू गेट मेथड में आए, सबसे पहले हम लोग प्रिंट राइटर गेट कर लेते हैं, प्रिंट राइटर यहाँ पे गेट कर लिया, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, एक मिनट, इंपोर्ट प्रिंट राइटर। अब देखिए अगर हमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट गेट, कौन सा, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, तो कैसे गेट करेंगे, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ये देखिए गेट ए सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट मैथड, गेट ए सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट मैथड हम लोग कॉल करेंगे, ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। इस सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन मेंटेन करना। चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि इस सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी कोई इंफॉर्मेशन मेंटेन है कि नहीं, तो कैसे गेट करें, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और इसे यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम पास कीजिए, एट्रीब्यूट का नाम मान लीजिए दे दिया हमने हिट काउंट, तो हमने हिट काउंट और हमने इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया, तो इंटीजर आई इक्वल टू, और इसको टाइप कास्ट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम अगर रिक्वेस्ट जब सेंड करोगे
तो उस टाइम पे तो कोई एट्रीब्यूट अभी हमने ऐड नहीं हुआ होगा ना, क्योंकि ये रिक्वेस्ट हमें, देखिए एट्रीब्यूट तो तब ऐड करना होगा जब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो फर्स्ट टाइम पे हिट काउंट नाम का कोई भी एट्रीब्यूट सर्वलेट कॉन्टेस्ट ऑब्जेक्ट में ऐड नहीं हुआ, एप्लीकेशन स्कोप में ऐड नहीं हुआ। अगर हमने गेट किया तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, नल मिलेगी। अगर वैल्यू क्या है, नल है, तो काउंट की वैल्यू हम कितने सेट कर देंगे, वन सेट कर देंगे। मान लीजिए इसका नाम हम वेरिएबल का नाम ले लेते काउंट। यहाँ पे हमने चेक किया इफ अगर ये फर्स्ट टाइम है तो काउंट क्या होगा, काउंट होगा नल के इक्वल। अगर ये नल है तो इसकी वैल्यू कितनी सेट कर देंगे, नल होगा या जीरो होगा, नल होगा। जीरो क्यों होगा, अपने मन से जीरो कैसे हो जाएगा, ये सर इंटीजर है ना, इंटीजर एक ऑब्जेक्ट है, ये इंटीजर ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके सर, और उसमें अभी कोई ऑब्जेक्ट अभी क्रिएटेड ही हुआ है तो उसकी वैल्यू, इस नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं होगा तो गेट एट्रीब्यूट मेथड क्या रिटर्न करेगा, इफ द गेट एट्रीब्यूट मेथड क्या रिटर्न करता है, गेट एट्रीब्यूट मेथड अगर इस नाम का कोई एट्रीब्यूट है तो वो क्या रिटर्न करेगा, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट इज नॉट अवेलेबल तो फिर ये वैल्यू नहीं रिटर्न करता, क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। तो क्या रिटर्न करेगा, काउंट की वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगा काउंट में। हम लोग गेट एट्रीब्यूट मेथड से क्या करते हैं, गेट एट्रीब्यूट मेथड जब कॉल करते हो तो गेट एट्रीब्यूट मेथड क्या लेता है, एट्रीब्यूट का नेम, किस एट्रीब्यूट की वैल्यू आपको चाहिए उसका एट्रीब्यूट का नाम बताइए। जैसे हमने यहाँ पे हिट काउंट नाम दिया, अगर स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट अवेलेबल होगा तो उस एट्रीब्यूट की आपको वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं होगा तो आपको उसको क्या देगा, नल रिटर्न करेगा। क्लियर, ये मेथड काम क्या करता है, ये वैल्यू या ये तो मेथड या तो नल रिटर्न करेगा या तो वैल्यू, वैल्यू कब रिटर्न करेगा, जब स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट अवेलेबल होगा तो वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, नल। पहली बार जब आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो कोई भी इस नाम का एट्रीब्यूट अभी तक उसमें ऐड नहीं हुआ ना एप्लीकेशन स्कोप में, अगर एट्रीब्यूट इस नाम का कोई अवेलेबल नहीं है फर्स्ट टाइम तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। अगर नल रिटर्न कर रहा है तो हमने देखिए काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया, उस काउंट में हमने क्या वैल्यू सेट कर दी, वन सेट कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, अगर अगर अवेलेबल होता तो क्या करते, अवेलेबल होता तो काउंट की वैल्यू को क्या कर देते, और बढ़ा देते, काउंट प्लस प्लस कर देते अगर अवेलेबल होता। अवेलेबल नहीं था तो क्या है, हमने वैल्यू उसकी सेट कर दी वन। उसके बाद अब हमें क्या करना है, ऐड करना, कैसे ऐड करेंगे, कॉन्टेस्ट, देखिए सर्वलेट कॉन्टेस्ट ऑब्जेक्ट हमने गेट किया है सेट एट्रीब्यूट मेथड से, सेट एट्रीब्यूट मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं इन द गिवन स्कोप, किस स्कोप पे ऐड करना है, एप्लीकेशन स्कोप पे। तो कॉन्टेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट और यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम दिया हिट काउंट और इसकी वैल्यू क्या सेट कर दी, जो भी काउंट में है। ये किस लेवल पे मेंटेन हो रही है, कॉन्टेस्ट स्कोप पे। उसके बाद हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया कि क्या प्रिंट किया भैया, कितने हिट काउंट हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग प्रिंट करते हैं हिट काउंट, तो हमने प्रिंट राइटर गेट कर लिया है आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया हिट काउंट, कितने हिट काउंट हुआ। तो देखिए यहाँ पे वेब एप्लीकेशन लेवल पे कॉन्टेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, वेब एप्लीकेशन एक है, इस एप्लीकेशन लेवल पे क्या है, कॉन्टेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट है। आप इस वेब एप्लीकेशन के जितने भी सर्वलेट होंगे इस कॉन्टेस्ट ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। हेलो 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 हेलो, म्यूट कर लीजिए। हेलो, चलिए अब इसको रन करते हैं। इसको देखिए हमने यहाँ पे हम लोग एनोटेशन से ही मैप किया है, एनोटेशनल क्या यूज किया, हिट काउंट सर्वलेट। चलिए वापस रन करते हैं। और इस एप्लीकेशन को रन एस रन ऑन सर्वर, रन ऑन सर्वर फिनिश। ये देखिए हमने रिक्वेस्ट सेंड की किस सर्वलेट के लिए, हिट काउंट सर्वलेट के लिए। जैसे रिक्वेस्ट गई देखिए काउंट कितना आ गया, वन, पहली बार रिक्वेस्ट गई। अब देखिए कोई भी क्लाइंट सेंड करे, इट इज नॉट रिक्वायर्ड हमें
क्लाइंट केवल यही हो सकता, कोई भी हो सकता क्लाइंट। जैसे हमने कोई भी ब्राउजर ओपन किया, देखिए ये ब्राउजर ओपन किया, कोई भी ब्राउजर, क्लाइंट का मतलब ब्राउजर। अब हमने ये वाला ब्राउजर ओपन किया है और इस ब्राउजर से रिक्वेस्ट सेंड की, किस सबलेट खोले, हिट काउंट सबलेट। देखिए क्या आया, हिट काउंट 2 आ गया। कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मेंटेन कर रहे हैं वो क्या, किस लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं, एप्लीकेशन लेवल पे। देखिए कोई भी एक नया, आप चाहे नया टैब ओपन कर लीजिए, चाहे नया ब्राउजर से रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, अब क्या आएगा, हिट काउंट वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग मेंटेन कर रहे हैं वो एप्लीकेशन लेवल पे। तो अगर कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको एप्लीकेशन पे लेवल पे मेंटेन करनी है, मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन जो किसी भी सर्वलेट को जरूरत पड़े एक्सेस कर सके, तो उस इन्फॉर्मेशन को हमें कॉन्टेक्स्ट लेवल पे मेंटेन करना चाहिए, एप्लीकेशन स्कोप लेवल पे मेंटेन करना चाहिए। एप्लीकेशन स्कोप लेवल कैसे मेंटेन करते हैं, यूजिंग सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए दो ऑब्जेक्ट, एक सर्वलेट कॉन्फिग भी हम लोग पढ़ेंगे, एक सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सर्वलेट है, अगर हमें कोई भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हर एक सर्वलेट के लिए स्पेसिफिक है, सर्वलेट लेवल पे मेंटेन करनी है, मतलब अगर सर्वलेट 1 के लिए ही वो इंफॉर्मेशन केवल यूज हो, मान लीजिए हमारा सर्वलेट 1 है, सर्वलेट 1 समझिएगा, और ये हमारा सर्वलेट 2 है, और ये हमारा सर्वलेट 3 है। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है हर सर्वलेट के लिए स्पेसिफिक है, मतलब सर्वलेट 1 के लिए ये इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक है, यहाँ सर्वलेट 2 के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोग सर्वलेट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे। सर्वलेट कॉन्फिग क्या होता है, सर्वलेट कॉन्फिग मतलब पर सर्वलेट 1 कॉन्फिग, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मेंटेन कर रहे हैं सर्वलेट कॉन्फिग में, ये सर्वलेट कॉन्फिग किस सर्वलेट के लिए है, सर्वलेट 1 के लिए, तो केवल सर्वलेट 1 ही इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। तो देखिए दो ऑब्जेक्ट है, सर्वलेट कॉन्फिग और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। सर्वलेट कॉन्फिग कब यूज करना चाहिए, अगर हमें पर सर्वलेट इन्फॉर्मेशन मेंटेन करने, हर एक सर्वलेट के लिए अपनी स्पेसिफिक, तो जितने सर्वलेट होंगे उतने सर्वलेट कॉन्फिग। आप सर्वलेट देखिए, सर्वलेट 1 के करेस्पॉन्डिंग जो भी सर्वलेट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट है उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो सिर्फ सर्वलेट 1 ही यूज कर सकता है, उस इन्फॉर्मेशन को सर्वलेट 2 यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए विद इन अ वेब एप्लीकेशन जितने भी कंपोनेंट हो उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए, तो फिर हम लोग सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मेंटेन करेंगे वो